हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, इसके पीछे के वीडियो में हम जान चुके हैं कि टिश्यू जो कि दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में हमने जाना था कि दो टाइप के प्लांट टिश्यू भी होते हैं, एक मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू के पार्ट्स को भी हमने पीछे के वीडियो में जान लिया है। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यू को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी इसको हम पहले हिस्से को बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसके सेकंड पार्ट को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम जानेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो बेसिकली इसमें फोर टाइप के टिश्यू आते हैं। इनमें से हैं एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कर्लेनकाइमा। अब एपिडर्मिस क्या होता है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं एपिडर्मिस ऐसे टिश्यू होते हैं जो मोस्टली डेड सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। अब पैरेन्काइमा में एक खास बात होती है, बेसिकली ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये जो है स्टोर करते हैं क्या, फूड, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसी में बात करें तो पैरेन्काइमा में जब ये लीव्स में होता है जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम अदर नेम दे देते हैं, वहाँ पे हम इसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। तो याद रखना, जब ये लीव्स में होगा जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा ही जब कभी ऐसे प्लांट्स में होता है जो कि वाटर में होते हैं, तो वाटर में होने के लिए उनकी पत्तियों को हल्का बनाने के लिए और उसमें एयरी स्पेस होता है जिससे कि वो फ्लोटिंग कर सके वाटर के सरफेस पे, तो ऐसे पैरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि पैरेन्काइमा जब लीव्स में पाया जाएगा जहाँ पे क्लोरोफिल होगा तो इसे क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, और जब ये ऐसे पौधों में पाया जाएगा जो वाटर में होते हैं तो वहाँ पे हम बोलेंगे एरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो नेक्स्ट टिश्यू हमारा आता है जो कि है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी हम कह सकते हैं पौधे में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो इसी की वजह से आती है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और इसके बाद आता है हमारा स्कर्लेनकाइमा। स्कर्लेनकाइमा जो है वो हार्ड एंड स्टिफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये थोड़ा हार्डनेस को शो करता है, जिससे प्लांट्स की जो स्टेम वगैरह हैं वो थोड़ा सा हार्ड रहती हैं, वो स्कर्लेनकाइमा की वजह से होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में डिफरेंस है। क्लोरेनकाइमा यानी जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा लीफ में तो वहाँ पे जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, और ये कोलेनकाइमा है, थोड़ा सा नेम में डिफरेंस है, ये बात याद रखना, ये कोलेनकाइमा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्कर्लेनकाइमा के बारे में थोड़ी और बात करें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली ये डेड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेल्स जो है डेड होती हैं। तो ये बेसिकली कुछ पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू के, यानी कि यहाँ से आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बेसिकली टू पार्ट्स में बांटा जा सकता है, यानी इसके पहले पार्ट को हम कह सकते हैं जाइलम और दूसरे पार्ट को हम कह सकते हैं फ्लोएम, यानी इसके टू पार्ट्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम क्या होता है और इसकी क्या खास बातें होती हैं, फ्लोएम क्या होता है इसकी खास बातें क्या होती हैं, ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे। ओके, थैंक यू।